हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि चीजें छोटी या बड़ी कौन सी हैं और किस तरह से उन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले तस्वीर है एक ग्लास और कटोरी की। ग्लास और कटोरी में कौन छोटा है? कटोरी। इसके बाद है एक मटका और जग। मटके और जग में कौन छोटा है? जग। अब है हमारे पास एक बकेट और एक भगोना। कौन छोटा है? भगोना छोटा है। अब है हमारे पास एक प्लेट और चम्मच। तो कौन बड़ा है? प्लेट बड़ी है और चम्मच छोटा है। और उसी तरह से अगर हम एक बकेट और जग देखें तो कौन बड़ी है? बकेट बड़ी है और जग छोटा है। अब ग्लास और कप में ग्लास बड़ा है और जो कप है वो छोटा है। इसी तरह से भगोना और कटोरी में भगोना बड़ा है और कटोरी छोटी है। और यहाँ पर जो मटका और एक प्याला से ग्लास भी कह सकते हैं, इसमें से ग्लास छोटा है और जो मटका है वो बड़ा है। तो जो छोटी चीजें होती है उसमें पानी कम समाता है, जो बड़ी चीजें होती है उसमें पानी ज्यादा समाता है। तो चलिए चीजों का छोटा बड़ा पन हम पहले देख लिए है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ज्यादा पानी और कम पानी किसमें समाता है। शुक्रिया।